हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग करेंगे सेलिना पब्लिकेशन कौन सा इज मैथमेटिक्स क्लास 7 14E करेंगे। 14E में क्या है, ये एक नया बुक में नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ना, मतलब नया चैप्टर नहीं, नया एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन है ना, ये पुराना टाइप का ही है, मतलब जैसे कि जो आप लोग सीखे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इक्वेशन तुमको रेडी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सारा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर लिया है, तो अब जो है हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे बस सम कैसे सॉल्व करना है वो हम दिखाएगा, तो देखना सम कैसे सॉल्व होता है वही मेरे से सीख लो, ठीक है ना? अब देखो ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये एज्योर करना चाहते हैं तुम लोग से कि ए बी सी डी करने के बाद तुम लोग ये एक्सरसाइज देख रहे हो। बेटा अगर मेरे चैनल में वीडियोस देख रहे हो, मतलब हम यूट्यूब वाले को बोल रहे हैं कि अगर मेरे चैनल में वीडियोस अगर देख रहे हो तो बेटा सिक्वेंशियली देखो, एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रो वीडियो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो अगर देख रहे हो, अगर कोई भी एक क्वेश्चन तुमको बन नहीं रहा तो फिर मेरे चैनल में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है मतलब क्या बताए, मतलब यहाँ पे आके तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मेरा एक थॉट प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस मतलब क्या है, हम एक ही मेथड सिखाते हैं और उसी मेथड से सारा का सारा क्वेश्चन बनाने का ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, मतलब अलग अलग टाइप में अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप का सम्स जो है वो अलग अलग लर्न करना नहीं पड़ता है, अलग अलग टाइप जो है वो दिमाग में नहीं इनपुट करना पड़ता है, है ना? तो मतलब हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, एक मेथड सीखेंगे उसी से 100 सम्स बनाएंगे। मेरा एक छोटा सा मोटो है ये, एक मेथड सीखेंगे 100 सम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, पहले चलो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो क्वेश्चन है ना, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा इंट्रो वीडियो से ये जो है ना 14D तक, पहले था 12 शायद, अभी जो नया बुक में है ये 14 आ गया है, तो ये 14 तक बेटा देख लो, सीख लो, समझ लो। क्योंकि अगर तुम 14D तक अच्छे से समझ लोगे तो ये 14E तुम खुद कर पाओगे, है ना? खुद को करना है, खुद कर पाओगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा सोचना भी नहीं है, है ना? चलो सबको स्टार्ट करते हैं। पहले खुद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तुम लोग भी स्टार्ट करो, है ना? फटाफट से स्टार्ट करो, क्वेश्चन कॉपी करो, स्टार्ट करो। और YouTube में जो देख रहे हो पॉज करना वीडियो को, फिर चालू करना, है ना? खुद सॉल्व करने के बाद ही चालू करना। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ये तुम्हारा पढ़ाई है, है ना? तुम्हारा पढ़ाई है, तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, है कि नहीं बोलो, है ना? चलो फिर ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। चलो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, मतलब यहाँ पे अगर x रहता है तो ये ऊपर के साथ रहता है, ठीक है ना? ये ऊपर के साथ रहता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2x-2 दैट इज इक्वल्स टू x/3-11/4। अब जो है x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे 2x-x/3 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -11/4 +2। जैसे कि मैंने बताया है कि पहले बैठेगा घर का बंदा, फिर आएगा बाहर का बंदा, ठीक है ना? इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब 2-11/4 ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना? 2-11/4 दोनों सेम बात है, ठीक है ना? अब देखो, चलो ये ऐसा लिखने से क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, सिंपल ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बना पाते हम लोग, हम लोग सब पता है ना, क्योंकि हम लोग 14D तक करके आए हैं पूरा का पूरा चीज है। यहाँ पे क्या है, LCM होगा 3, यहाँ पे मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 2 6x - x हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 4 2 8-11, क्योंकि नीचे 1 है। देखो बेटा, यहाँ पे हम सारा का सारा चीजें तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सिखा दिए हैं। ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं देख के डायरेक्टली 14 ही देख रहे हो, तो हम मना करेंगे तुमको, बेटा तुम नहीं देखो, डायरेक्टली 14 ही मत देखो। तुमको करना क्या है, पहले पूरा देख के आ जाओ, स्टार्टिंग से देखो, फ्रॉम द स्टार्ट करो तुम इंट्रो वीडियो से। देखो बेटा, पहले तुमको ABCD सीखना है, नहीं तो अगर हम तुमको कोई एक नोवेल पकड़ा देगा तो फिर तुम वो पढ़ नहीं पाओगे,
है कि नहीं बोलो। तो फिर पहले तुमको ए बी सी डी सीखना है, फिर वर्ड्स कैसे बनते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स और जो है मीनिंगफुल नहीं है ऐसा टाइप का वर्ड्स का अंतर समझना है, फिर जाके धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते हैं, पहले ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा सब कुछ मैंने सिखा दिया है बेटा, थाली सजा के रखे हैं, तुमको जाके बस खाना है ना, तुम्हारे पास टाइम है, बस जाओ फटाफट खा लो। अब देखो क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू तो नहीं बैठेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ पे काम कर लो, 6x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 4 जार 20x, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9, तो फिर और x इक्वल्स टू माइनस 9 बाय 20। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होता नहीं है तो दिस विल बी आवर आंसर ओनली, है ना, x इक्वल्स टू माइनस 9 बाय 20। चलो फटाफट आंसर चेक करो, अगर मिस्टेक होता है तो नहीं यहाँ पे सही हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं, मतलब मैंने मिस्टेक नहीं किया है, है ना। चलो करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, हम मिस्टेक करते हैं, हम करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन जब कॉपी करोगे ना, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद एक बार इसको मैच करवा लेना, ये मैंने बहुत बार बताया है, क्वेश्चन को मैच करवा लेना। अब चलो यहाँ पे क्या है, 7x मल्टीप्लाई करो, 7 4 सा कितना होता है 28, माइनस 2x प्लस 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा माइनस, यहाँ पे 3x प्लस 3 2 सा 6, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 सा 6 माइनस 3x माइनस ये 8 के साथ, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो 8 जो है अकेला बैठ जाएगा, वो बेटा अकेला है। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लो बेटा, काम होगा, x है x है x है, तो तीनों x को काम कर दो, यहाँ पे क्या होगा 7x, यहाँ पे माइनस 3 एंड 2 क्या हो जाएगा 5x, तो फिर 7x माइनस 5x, तो फिर 7x माइनस 5x, तो यहाँ पे हो जाता है 2x, तो यहाँ पे लिख दो 2x। क्या किया बेटा, 7x को 7x की पहले लिखा था मैंने, फिर ये दोनों माइनस था तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडिशन, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 हो गया तो फिर 5x हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी जो बचा बचा है ये सारा जो है नंबर्स है, ये 28 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो फिर 10 प्लस 6 16, 16 से ये 28 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट मीन्स प्लस 16 माइनस 28, तो फिर माइनस साइन बैठ के सम क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये सर हम लोग कहाँ पे सीखे हैं, 1B में सीखे हैं, है कि नहीं बोलो। तो फिर 16 से 28 तक चलो तो कितना होता है 10 प्लस 2 12 आता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 12 लिखेंगे, तो माइनस 12, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, जरूर आया होगा, नहीं आया तो फिर पहले तुम नहीं देखे हो, ठीक है ना, पहले नहीं देखे हो। अगर 14D तक वीडियोस तुम सीख लोगे ना तो 14A का क्वेश्चन खुद बना सकते हो, तो पहले वहां पे देख लो फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक। चलो फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो प्लस 6 माइनस 8 है, तो यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3x, अब क्या हो जाएगा, अब और कुछ नहीं है, x वाले को एक तरफ, क्योंकि काम नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा तब तक करते रहना है, प्लस 12 यहाँ पे, और क्या हो गया 3 टू 5x, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस हो के 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो कर दिया, x का वैल्यू है 2, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2, नंबर 2 का आंसर चेक कर लो, तुम्हारा भी मेरा भी बुक का भी, ठीक है ना। चलो समझ में आया क्या, नहीं आया, आ गया है ना, चलो 1 part 3 बना, वीडियो को पॉज करके बनाओ, क्या हुआ बना है कि नहीं, बन गया, फटाफट बनाओ फटाफट, कुछ नहीं है सिंपल है, फिर हम करके देगा। अब चलो वीडियो को प्ले अब करो, ठीक है ना, प्ले किए हो तो आप देखो, लेकिन अगर प्ले कर रहे हो तुम खुद नहीं किए हो तो पॉज करो, खुद बनाओ फिर प्ले करो, ठीक। चलो चीटिंग मत करना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 part 3, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 40%, दैट मीन 40/100, ये ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 10 लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 64। ये ब्रैकेट में x माइनस 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है हम लोग का 40% ऑफ x माइनस 10 है, तो दैट मीन्स 40/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड ये x माइनस 10 हो जाता है, ठीक है ना, और ये जो है x माइनस 10 इसके नीचे 1 है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस 100 विल बी मल्टीप्लाइड विद
वन है ना। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर उसको कैंसिल आउट कर दो, 4 से पूरा ही 25 से कर सकते हो, या फिर तुम आधा आधा करके भी कर सकते हो। तो फिर 4 से करोगे तो यहां पे नीचे आ जाएगा 25। क्या मैंने सही करा? मैंने सही नहीं करा। क्यों? क्योंकि बेटा 4 तो नहीं है ऊपर में, क्या है 40 है ना, 4 तो नहीं है ऊपर में, क्या है 40 है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है 40/100, 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10। अब क्या है देखो, x-2 ब्रैकेट में x-10 होल डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 64। इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई लिखा नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये माइनस के राइट साइड में है, ये माइनस के राइट साइड में है, माइनस वो अलग है, ये अलग है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x माइनस को माइनस रख दो। अब 2 के साथ सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐसा मत सोचना कि माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं बेटा बस ओनली 2 के साथ कर रहे हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x-10 2 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 64। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तक साइन चेंज हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यहां पे बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं कि माइनस 2 के साथ करे कि 2 के साथ करे, क्या करे बेटा, माइनस तो है ही नहीं मार्केट में, अभी आया नहीं अभी तक, है ना, मार्केट के बाहर है। तो बस 2 के साथ इसका करो, हो गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम मतलब यहां पे नीचे 1 है, अब एलसीएम आया नीचे 5। अब देखो ये 5x आ गया 5x, अब माइनस इंक्लूड हो रहा है इसके साथ, माइनस इंक्लूड हो रहा है, दैट मींस तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2x + 10, 10 क्यों होगा यहां पे, +20। बात समझ में आ रहा है? यहां पे जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जब एलसीएम कर रहे हैं तब साइन चेंज होगा, उससे पहले साइन चेंज नहीं होगा। ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे ही मिस्टेक कर देते हैं। समझ में आया? ये वाले जगह पे मिस्टेक करते हो तुम लोग। मैंने क्या कहा, एक और बार सुन लो, एक और बार सुनो। देखो यहां पे जब ओनली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस जो है हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कि माइनस साइड में है, तो बेटा तुम साइड में ही रह जाओ, तुमको लेके कोई भी काम नहीं है, ठीक। अब देखो लेकिन जब एलसीएम कर रहे हैं, मैंने जब एलसीएम किया तब क्या हो रहा है, जब एलसीएम किया है तब यहां पे 5x तो 5x माइनस, अब माइनस देखो इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो माइनस जब इनके बीच में आ रहा है तो ये 2x का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, -2x हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पे 20 का साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये माइनस से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए साइन चेंज हो रहा है। लेकिन बेटा तुम ये सोचना कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो बंदे रहता है तो एक बंदे का अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो दूसरे बंदे का भी होगा, ऐसा नहीं कि एक रूम में दो बंदा है तो फिर एक बंदे का मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे का भी मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बेटा पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं ना, वो कहां से पढ़ रहे हैं ये भी डिपेंड करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा जगह से पढ़ रहे हैं। अगर मान लो कि दोनों सिमिलर जगह से पढ़ रहे हैं लेकिन कौन कितना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, कौन कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना बेटा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा इसका दिमाग बहुत तेज है, इसका दिमाग कुछ नहीं, नहीं बेटा कुछ नहीं है, दिमाग तेज या फिर दिमाग कम नहीं होता है, दिमाग तुमको यूटिलाइज करना है, तुम्हारा दिमाग है, तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। किसी को दो टाइप का बच्चे होता है, एक हो सकता होता है कि अगर मान लो कि थोड़ा सा करे तो हो जाएगा, और दूसरा जो है थोड़ा सा मतलब ज्यादा करना है तब बनेगा, लेकिन बनेगा तो जरूर। किसी को बनेगा कि 10 बार प्रैक्टिस करने से, किसी को बनेगा कि 50 बार प्रैक्टिस करने से, तो मेरे को बन रहा है क्या 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, तब भी हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, है कि नहीं बोलो, मिस्टेक्स करते रहते हैं। क्यों करते हैं? तुम लोगों का कंसेंट्रेशन इधर है कि नहीं देखने के लिए बेटा, चलो फिर यहां पे आ जाओ। देखो अब आई थिंक समझ में आया है कि नहीं बोलो, बीच बीच में ना तुम लोगों से थोड़ा सा गप मारना होता है, नहीं तो बेटा बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोलते कि सर आप इतना पढ़ाई 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 कंटिन्यूअस पढ़ाते हो, बीच बीच में आप हंसाते रहो, ये सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे को यूट्यूब पे, है ना। चलो फिर अच्छा, तो यहां पे देखो 5x-2x 3x + 20 दैट इज इक्वल्स टू 64 × 5। तो 64 × 5 क्या हो जाता है, 60 × 5 कितना होता है, 300 होता है, एंड 5 × 4 होता है 20, तो ऐड कर दो तो 320 आ गया। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट बनाएंगे, 320 लिख दो डायरेक्टली। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 3x दैट इज इक्वल्स टू 320 - 20 करो, तो फिर और यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे 300/3, तो दोनों को कैंसिल आउट करो तो आ गया 100, x इक्वल्स टू 100। चेक कर लो, इसके छोड़ के 100 को छोड़ के और कुछ आंसर ही नहीं हो सकता,
है ना। चलो फिर चेक करो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 1 पार्ट 4। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आएगा ना तो बेटा एक कमेंट कर देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन में ये दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम्हारा जितना सारा डाउट्स है ना हम क्लियर कर देगा बेटा, तो टेंशन नहीं लेना। जितना बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो तुम लोग तो जरूर कमेंट करना, और जो बच्चे अभी देख रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब क्या करना क्या है, 3 टू 6 हो जाएगा। अब 3 टू 6 मल्टीप्लाई हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहां पे सिखाया ये वाला बात पहले ही सिखा दिया है कि अगर एलसीएम के टाइम में सब कुछ सिखा के रखे हैं बेटा, तो ऐसा नहीं कि तुम 14E बस देख रहे हो, मेरे चैनल से मत देखना बेटा। अगर मेरे चैनल से कर रहे हो तो बेटा स्टार्टिंग से देखा करो। तो 3 टू 6 यहां पे क्या हो जाता है, 2 × 2 − 3x, ये लिखना है, −3 × 3 − 5x। ये लिखने के लिए मैंने क्यों बताया ये थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, तुमको पता चल जाएगा अगर जो बच्चे डायरेक्टली किए हो मैक्सिमम, मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स अगर किए हो तो फिर यहां पे 90% बच्चे का चांसेस है, 99% चांसेस है गलत होने का। क्यों पता है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ पे जो माइनस है ये 6 है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 2 = 6x माइनस यहाँ पे 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 3 = 15x। बात समझ में आया। अब साइन चेक कर लो, जो बच्चे पॉज करके खुद किए थे चेक कर लो, अगर सही होता है तुम्हारा तो बेटा तो ठीक है, कमेंट करके बता दो सर हम सही किए थे, ठीक। चलो फिर अब क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे दोनों अकेला है, तो दो अकेला बंदा जब रहेगा फटाफट इसको उड़ा दो गोली से, तो फिर यहाँ पे 2 हो गया, गोली से नहीं बेटा। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, 4 − 9 तो यहाँ पे −5 हो जाएगा, 6 + 15 तो बड़ा का साइन बैठ के यहाँ पे 9x, सम विल बी सबट्रैक्टेड। अब 2 को राइट साइड भेज दो तो 2 × 2 = 4। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 9x दैट इज इक्वल्स टू 4 + 5, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 + 4 कितना होता है, 9/9 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करो तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब आंसर चेक करो, चेक करके आगे चलो, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आपने साइड बाय साइड कैंसिल आउट किया, बेटा हम फिर भी रेफर करेंगे तुमको, पिछला वीडियोस देख लो मेरा, ऐसा हो सकता है लेकिन होने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या क्या है सारा एक बार देख लो, अच्छे से समझा है समझ लो बेटा। एक्सरसाइज 12 मतलब ये जो है 14D है, मतलब 14E कर रहे हैं, तो 14A में हम समझा दिया है बेटा, टेंशन नहीं लेना है। तो पूरा सीरीज देखो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि उत्पादांक से एक क्वेश्चन मतलब सडनली चूज करके देखने लग गए, मत करना बेटा। चलो फिर नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलो देखते हैं। देखो बताया कि 5 times अ सडन नंबर डिमिनिश्ड बाय 25 गिव्स 25, तो गिव्स का मतलब क्या है, इक्वल्स टू 25 होगा। अभी क्या बताया, 5 times अ सडन नंबर, तो फाइंड द नंबर, तो मैंने हर टाइम क्या बताया, जो आंसर में चाहिए उसको x ले लो, तो लेट द नंबर बी x हो गया। अब देखो 5 times अ सडन नंबर, तो 5 × x, 5 times ऑफ x, सडन नंबर क्या है x है, 5 times ऑफ x diminished by 25, diminished का मतलब क्या है, diminished मतलब subtraction होता है, diminished by 25, कम करना, diminished मतलब कम करना। तब देखो 5x minus 25, तो फिर 5x equals to 25 plus 25 कर लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x that is equals to हो गया 50, तो 5 से कर लो यहाँ पे 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10, चेक कर लो, समझ में आया ना। यहाँ पे और लिखते चलना, और लिखते चलना, बहुत सारे स्कूल में implies that भी देते हैं, ऐसा करके implies that भी देते हैं, लेकिन implies that हर एक स्कूल में एक्सेप्टेड नहीं है, इसीलिए हम बताते हैं कि बेटा तुम और लिखो, और हर जगह पे एक्सेप्टेड है, ठीक है ना, और हर जगह पे एक्सेप्टेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ध्यान में रखना, diminished का मतलब होता है subtraction, मतलब कम हो गया, ठीक है ना, जैसे कि decreased, वो एक अलग वर्जन है बेटा और कुछ नहीं, कि 5 times अ सर्टेन नंबर decreased by 25, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब भी माइनस होता है ना, decreased diminished सेम ही टाइप का है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, सिंपल सा बनाएंगे, आई होप समझ में आ रहा है, सीधा सीधा बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम सिंपल, धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जब समझना होगा ना तो तब धीरे धीरे, अब समझ में हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक। चलो अब जो है देखो नंबर 3 में क्या है, 3/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर, फाइंड द नंबर, तो फिर हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे, लेट ये ईट हो गया, लेट द नंबर बी
एक्स। ठीक, अब देखो क्या बताया, थ्री फिफ्थ ऑफ अ नंबर, थ्री फिफ्थ दैट मीन्स थ्री बाई फाइव ऑफ अ नंबर दैट मीन्स इंटू एक्स, तो फिर थ्री एक्स बाई फाइव कर दिया। थ्री बाई फाइव ऑफ एक्स का मतलब एक्स इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ओनली, तो ये थ्री एक्स बाई फाइव हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, थ्री एक्स बाई फाइव, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्री फिफ्थ ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, ये जो है बड़ा है, इज ग्रेटर देन वन थर्ड ऑफ द सेम नंबर, वन थर्ड ऑफ द सेम नंबर मतलब वन एक्स बाई थ्री बाई फोर। अच्छा देखो ये जो है बड़ा है, ये जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, वही सेम नंबर का वन थर्ड नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है, चार बड़ा है, तो फिर ये वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, चार बड़ा है, तो फिर ये और ये दोनों को इक्वल करने के लिए चार ऐड करना पड़ेगा। किस तरफ, आइदर इस तरफ चार ऐड करना पड़ेगा और फिर LHS में माइनस फोर करना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगे। इक्वेशन दोनों ही करेक्ट है, 3x by 5 minus 4 that is equals to x by 3 मतलब 1x मतलब x by 3, ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ये भी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है ना, देखो क्योंकि 4 को तुम RHS में लेके आओगे तो वही प्लस 4 हो जाता है। ठीक, समझ में आया, ये बात एक ही हो जाता है घूम फिर के, मतलब इक्वेशन तुमको आना चाहिए। और कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जहां तक पढ़ोगे वहीं तक करो। ठीक है ना, देखो क्या बताया, थ्री फिफ्थ ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन सेम नंबर बाय फोर फाइंड द नंबर, तो फिर यहां से हम लोगों को एक्स फाइंड करना है, तो आई होप तुम कर पाओगे। तो थ्री एक्स बाई फाइव माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फोर। तो और यहां पे क्या हो जाता है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो यहां पे थ्री थ्री जा नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स That is equals to 4, और 9 से 5 को subtract करो तो कितना हो जाता है, 4x that is equals to 16, तो यहां से cancel out करो तो आता है 15, तो x का value आएगा 15, तो यही जो है number है हम लोग का, x 15 था, x ही number है। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं, that is question number 4। देखो question number 4 part 1 में क्या बताया है, बताया कि the sum of 3 consecutive even natural numbers is 36, इसको क्या करेंगे। देखो तुमको करना क्या है, तीनों कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ढूंढना है, तो लेट द नंबर बी एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। इवन कंसेक्यूटिव बताया है, इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो एक अगर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस टू, तीसरा कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस फोर। ऐसा करके x प्लस थ्री मत करना, ठीक है ना। अब यहां पे एक और एक लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो क्या, मान लो कब हम लोगों का नंबर इवन होता है, कब हम लोगों का नंबर ऑड होता है, जब कोई भी एक नंबर 2n होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि इवन नंबर, और जब हम लोगों का n होता है वो हो जाता है ऑड नंबर। अब इसका मतलब क्या है, n मतलब होता है x और 2n मतलब होता है इवन, मतलब 2x मतलब होता है इवन। बात को समझो, देखो अगर तुम यहां पे नंबर x ले रहे हो तो अगर यहां पे तुम मतलब कोई भी ऑड नंबर को ऐड करोगे, कोई भी ऑड नंबर को ऐड करोगे, मान लो कि ये 1 है, x का वैल्यू 1 है, हो ही सकता है x का वैल्यू 1, तो क्या वो इवन नंबर होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे तुम 2x ले रहे हो तो 2x में x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, आइदर तुम ये वाला वैल्यू पुट करो, इवन नंबर वैल्यू पुट करो और ऑड नंबर वैल्यू पुट करो, तो अल्टीमेटली वो इवन नंबर बन जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों से ही हम करके दिखाएगा, ये वाले क्वेश्चन दोनों से ही करके दिखाएगा, तो टेंशन मत लो, पहले हमको आंसर लाने दो एक मेथड से, फिर हम ये 2n वाले मेथड सिखाएंगे। ठीक, देखो दिखाएंगे कि 2n वाले से ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये पता है कि 2n का मतलब होता है इवन नंबर, क्योंकि 2 into any number is even number है ना, मतलब even number का concept क्या है कि जो number 2 से divisible है, तो 2 से divisible होने के लिए 2 से multiply भी होना पड़ेगा वही same number को। कोई भी number तुम ले लो, मान लो कि 50 है ना, 50 एक even number है, तो 50 जो है ये 2 से divisible है, तो 2 से divisible होने के लिए किसी का multiple होना चाहिए 2 से 50, that is 25 into 2 है ना, 25 into 2 50 होता है, तो इसीलिए वो 2 से divisible है, मतलब vice versa हो जाता है ना, vice versa हो जाता है, ये सीखोगे तुम लोग। अब जो है let the number be x x plus 2 x plus 4, अब देखो क्या बताया,
कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने एक्स प्लस टू एक्स प्लस क्यू किया है, है ना, एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर क्यू किया है, क्योंकि देखो अगर कुछ ये x के जगह पे जीरो है तो ये बनेगा टू, ये बनेगा फोर, मतलब कोई भी तुम तीन नंबर ले लो, मतलब इवन नंबर लेना है। मान लो कि 12 एक इवन नंबर है, है ना, 12 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है, 12 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है, 14 आता है ना, एंड 14 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 16 आता है ना, तो फिर 12 से 14 का डिस्टेंस कितना है, 2 है ना। अब 12 से 16 का डिस्टेंस कितना है, 4 है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिया है। अब तुम ये 12 के जगह, अब तुम ये सोच रहे हो सर आपने तो यहाँ पे x लिए थे लेकिन यहाँ पे तो आप 12 बोल रहे हो, बेटा तुम कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि 42 ले लो, 42 एक नंबर है, x के जगह पे मैंने 42 ले लिया। अब 42 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है बोलो, तो देखना 44 आएगा, है ना, तो डिफरेंस कितना है, 2 हो रहा है, इसीलिए मैंने x प्लस 2 लिया था। बात समझ में आ रहा है। अब देखो 42 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 46 आता है, तो एकदम 42 से 46 का डिफरेंस कितना है, 4 है, इसीलिए मैंने x प्लस 4 लिया। तो बात समझ में आया, ये कोई भी नंबर में, मतलब यहां पे बताया कि कंसेक्यूटिव तीन नंबर लेना है, कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 ऐसा करके, मतलब नेक्स्ट जो नंबर है उसी को लेना है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी एकदम एक के बाद एक होना चाहिए, है ना, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसको ऐड करो, ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने के आंसर क्या आ रहा है बताओ, हाँ वो अच्छा हमको व्यू करना है ना, चलो तो यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे 3x प्लस 4 टू 6 6 दैट इज 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x दैट इज इक्वल्स टू 30, देन x का वैल्यू आ रहा है 10, x का वैल्यू आ रहा है 10, है कि नहीं बोलो, x का वैल्यू आ रहा है 10। तो अब देखो अगर x का वैल्यू अगर 10 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14, तो 10 12 14 है ये तीन आंसर, चेक कर लो, आया ना। अब चलो वो और वाले मेथड दिखाते हैं, अब चलो वो और वाले 2n वाले। देखो बेटा मेरा काम है मेथड दिखाना, है ना, हम बहुत सारे मेथड दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम कौन सा वाला यूज करोगे वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, लेकिन मेथड जो है बनेगा, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का ना एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड्स होता है, तो बहुत सारे मेथड जो है ना उसको समझना पड़ता है, समझना पड़ता है कि नहीं। देखो यहां पे मैंने बताया कि एक नंबर ले लो 2n, दूसरा नंबर ले लो 2n प्लस 2, तीसरा नंबर ले लो 2n प्लस 4। अब तुम बताओगे सर आपने यहां पे भी ये प्लस 2 प्लस 4 ये क्यों कर रहे हो, बेटा देखो ये प्लस 2 मतलब ये है पहला नंबर, ये है हम लोग का दूसरा, ये हम लोग का तीसरा नंबर। अब यहां पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर आप ये सारा नंबर मतलब प्लस 2 प्लस 4 क्यों ले रहे हो, बेटा लॉजिक तो वही सेम है, मतलब अगर कोई एक नंबर 42 है तो नेक्स्ट नंबर बनेगा 44, उसका नेक्स्ट नंबर बनेगा 46, तो बीच में मतलब फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का डिफरेंस 2 होता है, सेकंड से थर्ड नंबर का डिस्टेंस 2 होता है, बट फर्स्ट से थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है, ये वाला बात समझ में रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो फर्स्ट से सेकंड नंबर का डिस्टेंस 2 है, मतलब डिफरेंस 2 है, तो इसीलिए 2 ले रहे हैं, और फर्स्ट से थर्ड वाले का डिफरेंस है 4, तो इसीलिए यहां पे 4 लिख रहे हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 36। अब जो है इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे है 2n, यहां पे है 2n, यहां पे है 2n, तो 2 का कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या है 2 एंड 4, तो कितना होता है 6, दैट इज इक्वल्स टू 36। अब देखो और यहां पे 6n दैट इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 करो, कितना हो जाता है 36 माइनस 6, यहां पे 30 हो रहा है, तो और यहां पे n इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पे देखो 6 5 जा हो रहा है, तो फिर यहां पे तुम अगर अभी भी सोच रहे हो बेटा यहां पे तो सर डिफरेंस अलग आ रहा है, यहां पे तो सर आपका 10 आया था, यहां पे तो आपका 5 आ रहा है, बेटा एक बात ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने 2n लिया था, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या बनेगा, यहां पे n का वैल्यू आया 5, तो नंबर 2 × 5 दैट इज 10, तो समझ में आ रहा है, तो इस वाले में डायरेक्टली आंसर आ रहा है, लेकिन जब 2n लेंगे तो n का वैल्यू निकालने के बाद 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 10। अब देखो यहां पे 2n प्लस 2 था,
तो 2n प्लस 2 में क्या करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 2 तो कितना आया, 12 आया ना, 5 2 जा 10 प्लस 2। बेटा अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है सर ये तो 14 है, 5 प्लस 2 7 इंटू 2, बेटा तुम गलत हो, बॉड मास नहीं सीखे हो बचपन में, बॉड मास यूज कर रहे हैं हम, 2 इंटू 5 पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, मतलब एक सिक्वेंस में अगर तीन चार क्या रहता है साइन रहता है तो हम लोग को बॉड मास यूज करना है, तो बेटा यहाँ पे 14 हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास बॉड मास है, तो जब बॉड मास है तब हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, तो यहां पे 5 2 जा 10 आएगा, फिर प्लस 2 आएगा, दैट इज आएगा 12। बात समझ में आएगी नहीं बोलो, बात समझ में आए, चलो आगे चलते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे देखो 14, तो देखो घूम फिर के वही आ रहा है, लेकिन बेटा मैंने दो मेथड बताया और ये मेरा हैबिट है, जब हम दो मेथड या फिर तीन मेथड या फिर चार मेथड दिखाते हैं कोई भी एक क्वेश्चन का, तब हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन होता है सर आपका कौन सा फेवरेट है, आप कौन सा बनाते हो। बेटा देखो मेथड तो सारा का सारा ही सीखना है, सीख के रखो, लेकिन प्रैक्टिस उसी को करो जो तुमको इजी लगेगा। यहां पे अगर मेरे को पूछोगे कि कौन सा वाले हम यूज करेंगे, अगर हम होते तुम्हारे जगह पे तो हम कौन सा वाले यूज करते, तो बेटा हम बोलेंगे कि यही वाला लॉजिक यूज करना है, इवन बोले चाहे ऑड बोले ये सेम नंबर लेना है, सेम नंबर लेना है। अब तुम बोलोगे सर तो फिर हमेशा आंसर तो 10 आते रहेगा, नहीं बेटा नहीं 10 आएगा, वो डिपेंड करेगा सम के ऊपर, क्योंकि ये सम जो है ये भी तो चेंज होते रहेगा, 10 प्लस 12 प्लस 14 का अगर समेशन 36 हो रहा है तो अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो एडिशन भी चेंज हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है, तो समझना इसको, इस बात को, मैथ्स जो है ना इट्स अबाउट फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फुल ऑफ कंसेप्ट्स, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा तुम सम्स बना पाओगे, कंसेप्ट क्लियर करना है फिर फॉर्मूला लर्न करना है फिर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज नेसेसरी बेटा, समझ के कुछ नहीं होगा, समझो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स योरसेल्फ परफेक्ट, समझ में आ रहा है, तो प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पे आई थिंक समझ में आ रहा है, क्योंकि बिना समझने का कुछ ऐसा समझाया नहीं है। चलो फिर आगे चलते, देखो फोर पार्ट टू करते हैं। देखो यहां पे क्या है बताया कि थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, अब देखो नेचुरल नंबर बताया था इंटीजर्स बताया था, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब ये पहले भी बताया है अभी भी बता रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर, इंटीजर जो होता है ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारा होता है, बात समझ पाया, सारा का सारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी कितना हो जाएगा, ऑड बताया है कंसेक्यूटिव बताया, तो एक को लो x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 एक्सक्यूज में, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, बात समझ में। अब तुम अगर दिमाग में तुम्हारा आ रहा है कि सर ये आपने सेम क्यों ले रहे हो, यहां पे तो 2 आप लिया यहां पे तो 4 आप लिया, तो ये तो इवन भी हो रहा है ऑड में भी, ये कैसे हो सकता है, बेटा एग्जांपल लेके समझ लो, एग्जांपल लो, एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो एक नंबर है 11 है ना, ऑड नंबर है 11, अब देखो 11 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 13 आता है कि नहीं बोलो, 13 आता है, तो 11 से 13 का डिफरेंस कितना है 2, नेक्स्ट कितना आ रहा है 15 आ रहा है, 11 से 15 का डिफरेंस कितना है 4, तो बात तो सेम ही है, इवन हो चाहे ऑड हो नंबर्स वही का वही रहेगा, x x प्लस 2 x प्लस 4, तो डिफरेंस कहां पे होगा बेटा, समेशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो यहां पे डिफरेंस देखो सम जो है वो डिफरेंट दिया है, तो फिर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 51। अब यहां पे अगर तुमको लग रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन क्या 2n से नहीं हो सकता, बेटा वो अलग बात है, ये तो पहला वाला ऑप्शन जो है 2n से नहीं हो सकता, क्यों 2n से नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन नहीं है, कोई भी एक नंबर से अगर 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो वो इवन नंबर हो जाता है, यहां पे देखो बताया कि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, तो तुमको पहला बात ऑड करना है, तो 2n से नहीं होगा, लेकिन इसका एक और अलग मेथड है जो कि हम नहीं सिखाएगा, क्या नहीं सिखाएगा, एक अलग मेथड है जो हम नहीं सिखाएगा, ठीक है ना, इवन का दो मेथड सिखाया, क्यों, क्योंकि कभी कभी मतलब ये भी इजी होता है वो भी इजी होता है, कुछ बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर इससे भी हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे का ये भी पता है कि सर 2n अगर कोई एक नंबर के साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन नंबर हो जाता है, ऐसा कंसेप्ट होता है, तो इसीलिए मैंने समझा दिया दो मेथड में, लेकिन ऑड में वो दूसरा वाला जो मेथड है वो हम नहीं सिखाएगा, ठीक है ना, कि वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, चलेगा। अब देखो x x x, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
3x plus 4 2s का कितना होता है 6, that is equals to 51. अब देखो यहाँ पे 3x that is equals to 51 minus 6 करो कितना होता है बताओ, नहीं बता पाओगे क्योंकि तुमको पता ही नहीं है, 45 होता है बेटा. तो यहाँ पे 3x तो 3 से कैंसिल आउट करो, यहाँ पे होता है 15, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15. बेटा मैंने 4 को कैंसिल आउट नहीं किया बेटा, दोनों को कैंसिल आउट किया है ना, दोनों को कैंसिल आउट किया, 4 को किया नहीं किया. चलो अब देखो x का वैल्यू कितना है, 15 है, बात समझ में आ रहा है, x का वैल्यू 15. अब देखो मैंने बताया कि 15 एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर 15 प्लस 2 दैट इज 17 हो गया, तीसरा नंबर 15 प्लस 4 दैट इज 19 हो गया. तो फिर 15 17 19 है आंसर, सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन समझना पड़ेगा तुमको, समझना पड़ेगा. चलो ट्वेल्व क्या करना है, नंबर 5 करना है. देखो नंबर 5 में क्या है, सिंपल तरीका से करवा रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन. मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो, बस तब ठीक है, मजा नहीं आ रहा है लेकिन समझ पा रहे हो तब ठीक है. चलो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या था, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन. देखो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देखो एज का क्वेश्चन में ना जब भी बोलेगा कि इसका एज इतना है, इसका एज इतना है प्रेजेंट एज, तो फिर पहले ले लो कि लेट द प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ किस किस के बारे में बताया, एज ए मैन एंड हिज सन, तो फिर ए मैन को एक्स ले लेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन है एक्स एंड सन का कितना बताया, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 24 years. तो डिफरेंस जो बताया मैन का है एक्स एंड उसका सन का कितना है, देखो तो टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं है. ऐसा अगर तुम सोच रहे हो कि सर एक्स भी ले सकते वाई भी ले सकते, बेटा ये जो है ना ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन मतलब तुमको एक ही वेरिएबल लेना है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लास 7 में हम लोग जो कर रहे हैं वन वेरिएबल कर रहे हैं, क्लास 9 में जाके टू वेरिएबल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वन वेरिएबल से ही करना है. तो देखो यहाँ पे बताया था ना द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 24 इयर्स, तो एक बेटा है और उसका बाप है तो दोनों में डिफरेंस कितना है 24 इयर्स का डिफरेंस है. तो अगर फादर का एज अगर एक्स है तो बच्चे का एज कितना हो जाएगा, बच्चे का एज कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 24 होगा ना, 24 कम होगा, फादर का एज x है तो बेटा का एज क्या होगा 24 माइनस x है ना. यहाँ पे सन बताया था मैंने, सन ही बताया, तो मतलब जितना सारा डॉटर्स हो धरना मत कि सर ने डॉटर क्यों नहीं बताया, बेटा क्वेश्चन मेरे सन है ना, क्या करें. अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बताया, 2 years hence बताया, तो 2 years hence का मतलब है 2 years hence. Hence का मतलब है बाद में, बाद में. Hence का मतलब क्या है, बाद में. तो बाद में क्या हो जाएगा, देखो 2 years hence बताया, hence का मतलब क्या है 2 years बाद में. आज मान लो तुम्हारा एज 10 है तो 2 साल बाद तुम्हारा एज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बात सिंपल है. आज कितना है तुम्हारा 10 है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे अब फटाफट देखो, तो फिर 2 years hence मैन का एज कितना हो जाएगा x प्लस 2, बात को समझो, एंड सन का एज क्या हो जाएगा x माइनस 24 प्लस 2 है ना, बात को समझो, x माइनस 24 उसका प्रेजेंट एज था तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, बात सेम है. तो यहां पे कितना आ रहा है x माइनस 22 आ रहा है, बात समझ में आया, मतलब 2 साल बाद ऐड, दो ऐड ही ना होगा, अब 2 ऐड कर रहा तो यहाँ पे 22 आ रहा है क्योंकि बड़ा का साइन, मतलब बड़ा का साइन बैठ गया, सम विद सबट्रैक्ट 22. ऐसा नहीं कि 22 हो गया दोनों का डिफरेंस, ऐसा नहीं होता है बेटा, 24 ही डिफरेंस है, लेकिन 2 साल पहले का बात, मतलब 2 साल बाद का बात क्या है, 2 साल बाद का बात क्या है, तो बाद का बात जो आ रहा है मैथ्स में आने दो ना, आगे चलते है ना, आगे चलते, ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि 2 साल बाद में 2 साल कैसे घट गया, यहाँ पे तो 24 डिफरेंस था, यहाँ पे 22 डिफरेंस हो गया, कैसे क्यों. चलो सम बनाते हैं ना, आगे जाके लॉजिक सब सही बना देंगे. जब यहाँ पे 2 years hence या फिर 2 years ago या फिर 2 years after ऐसे बताएगा ना, तो जब भी देखना वहां पे कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा, ऐसा टाइप का एक कॉमा रहेगा, एक कॉमा. कॉमा का मतलब क्या है, वहां पे एज जो है ना वो फाइंड कर लेना हमेशा, 10 years hence है ना, 10 years before, वहां पे हमेशा या मतलब वो बना लेना, तो ये इजी मेथड होता है बेटा. देखो अब देखो क्या बताया, द एज ऑफ द मैन विल बी 3 times, मतलब अब लिखना है एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बताया है, बताया है कि 2 years, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब
एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस 22, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है बताइए? द एज ऑफ अ मैन विल बी 3 times द एज ऑफ सन। तो ये जो है सन का एज है, ये जो है फादर का एज है, तो फिर फादर इक्वल्स टू सन। क्या करना है देखो, फादर का एक एज है, सन का एक एज है, तो फिर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? द एज ऑफ अ मैन विल बी 3 times द एज ऑफ सन, दैट मीन सन के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है ना। सन के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तब ना जाके फादर का इक्वल होगा, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी बड़ा है। तो दोनों फैक्टर को, मतलब दो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दोनों को इक्वल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आइदर तुम सन के साथ 3 मल्टीप्लाई करो और फिर तुम फादर के साथ 3 डिवाइड करो। दोनों सेम होता है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। अगर यहाँ पे भी 3, ये भी तुम्हारा इक्वेशन हो सकता है, और फिर x प्लस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 22, ये भी इक्वेशन हो सकता है। दोनों ही इक्वेशन हो सकता है, ये बेटा और वाले लिख रहे हैं हम, और दो ही हो सकता है, क्योंकि देखो ये 3 राइट साइड में जाके ना मल्टीप्लाई, तो यही आ जाता है घूम फिर के। बात समझ में आया? तो फादर जो है वो 3 times बड़ा है बेटे से, तो बेटे से अगर 3 times बड़ा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बेटे के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो चलो अब इसको ढूंढते हैं, इसको ढूंढते हैं, x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 666। तो फिर x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू -66 -2, तो यहाँ पे -2x दैट इज इक्वल्स टू -68 हो जाएगा। माइनस विल बी कैंसिल आउट, 2 से 68 को हटा दो तो 34 आएगा, x का वैल्यू जो है 34। तो प्रेजेंट एज बता रहा है यहाँ पे बेटा, और लिखते रहेगा नहीं तो मार्क्स खच काट देगा, है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या है, 34 है। अब जो है यहां पे क्या बताया, x का वैल्यू जो है ये 34 है, एंड क्या बताया उसका, सन का, तो सन का एज कितना था, मैंने कहां पे लिया था यहां पे x माइनस 22। इसमें पुट करेंगे बेटा, इसमें नहीं डालेंगे 2 साल बाद नहीं, प्रेजेंट एज में डालेंगे, क्योंकि आंसर चाहिए प्रेजेंट एज, ये याद रखना, कहीं पे भी डालो तो आंसर नहीं आएगा, जो चाहिए उसी में डालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, एक्स माइनस 24 था, तो फिर 34 माइनस 24 कर दो तो 10, तो सन का एज जो है 10। तो आंसर क्या आ गया, आंसर एक आ गया, एक्स का वैल्यू 34 एंड सन का आ गया 10। तो ये जो है फादर का, मतलब जो है मैन का एज, क्योंकि फादर बताया नहीं मैन बताया, तो फिर मैन का एज है 34 एंड सन का एज है 10। तो यही आंसर है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है सबको, हाँ कि ना बोलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बताया क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 degrees, फाइंड द एंगल्स। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहता है, दो सम, मतलब दो एंगल है जिसका सम है 180। तो मान लो कि वन एंगल एक्स, तो अदर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 6। अच्छा प्रीवियस वाले क्वेश्चन क्या एक्स वाई से दिखाना है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन 6 का, मतलब जो 5 का क्वेश्चन है, अब चलो दिखा तो सकते हैं लेकिन दिखाने का फायदा कुछ नहीं है, है ना, फायदा है अच्छा मेथड जो है दिखाना चाहते हो, अच्छा चलो फिर दिखा देते हैं, चलो मतलब इक्वेशन तक बना देते हैं, है ना, इक्वेशन तक बना देते हैं, ठीक चलो। अच्छा देखो 5 का, और फिर हम इसमें आते हैं, है ना, इसका भी 2 होगा बेटा, हर एक का 2 इक्वेशन बन सकता है। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बताया, मैन का एज जो है एक्स एंड सन का एज जो है वाई ले लो, तो 2 years हेंस क्या हो जाएगा, मैन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, सन का क्या हो जाएगा वाई प्लस 2। अब देखो क्या बताया, 2 years हेंस द मैन ऑफ अ एज 3 times द एज ऑफ हिज सन, है ना, 3 times द एज, तो फिर एक्स प्लस 2 एंड वाई प्लस 2 के बारे में बात कर रहा है कि नहीं बोलो, बात कर रहा है। तो ATP लगा दो, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ATP का मतलब है, ATQ भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फादर है ये जो है सन, तो क्या बताया था 3 times ऑफ सन है, तो सन के साथ 3 times मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे तुमको दिक्कत आ जाएगा कि x और y दो वेरिएबल आ गया, लेकिन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, नहीं तो हम लोग को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, जो कि क्लास 9 में हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्लास 9 के पहले
एक्स और वाई तुम ले सकते हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में कोई भी एक हिंट दिया हुआ रहेगा जिससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक वेरिएबल में। ये वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक हिंट गिवन है, जो हिंट है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 24 इयर्स। दैट मींस मैन माइनस सन, ये जो है कितना है 24 इयर्स। देखो ये बता दिया है मैन और सन का एज जो है 24 इयर्स। अब जो है देखो, तुम्हारे पास ये है एक इक्वेशन, ये है एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से तुम सॉल्व कर सकते हो, पर कैसे, है ना। 9 में हम लोग सीखेंगे तीन मेथड, 9 में हम लोग सीखेंगे तीन मेथड, है ना, और चार मेथड भी सीखेंगे 9 में, चार मतलब एक ग्राफ को अगर इंक्लूड कर लोगे ना तो चार, मतलब चार पांच मेथड भी है, है ना, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, चार पांच मेथड है, चार मेथड है, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। एक और एक मेथड जो है वो यूज नहीं करते, जब तक क्वेश्चन में नहीं बताते तब तक उसको यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो वो चार पांच मेथड हम लोग सीखते हैं, लेकिन अभी जो है हम एक ही मेथड सिखाएगा और तुम लोग इसी से प्रैक्टिस करना। अगर जो सारे बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है कि अरे वो भी हमको देखना है कि दो इक्वेशन अगर आ जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, बेटा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तुम लोग वहां पे जाके देख सकते हो, वहां पे जाके सीख सकते हो, बेटा सीख का मना नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी टाइप का बाउंड्री नहीं है कि तुम यहां तक करो, लेकिन तुमको करना क्या है, पहले जो है सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करना है, फिर तुमको उसको एक्सपेंड करना है। नॉलेज जो है कब एक्सटेंड करोगे, ऐसा नहीं कि तुम लीनियर इक्वेशन में दिग्गज बन गए, बेटा नहीं बनना है तुमको, हर एक सब्जेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि तुम मतलब लीनियर इक्वेशन को लेकर तुम रिसर्च, नहीं बेटा तुमको अभी क्लास 10 पास करना है, क्लास 12 करना है, फिर जाकर तुम कुछ करोगे लाइफ में। तो जितना सारा यहां पे सिखाया जाता है इतना सीखो, ये अगर अच्छे से कवर अप हो गया और हाथ में तुम्हारा टाइम है एक दो महीना बचा उचा, तो फिर तुम क्या करो, वो नया जो मतलब जो मेथड्स है, जो सब चीजें है वो सीखने का ट्राई करो, है ना। मतलब मान लो कि तुम जिम जा रहे हो और जिम में जाके तुम मतलब तुम्हारा हैंड पे ही तुम फोकस करो, तो फिर तुम्हारा बाइसेप देखना इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बाकी जो शरीर है ये एकदम पतला दुबला सा रह जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो फिर तुमको करना क्या है, तुमको एकदम मतलब हर एक चीज में फोकस करना है, लेग में फोकस करना है, कोर में फोकस करना है, मतलब कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है उसमें फोकस करना है, जैसे कि एथलीट्स करते हैं, हर एक एथलीट्स है ना अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, तो तुमको भी तुम्हारा स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और उसी को ही सीखना है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, मतलब जैसे कि मान लो कि मिस्टर इंडिया या फिर ये जो होता है, ये ना हर एक चीज में फोकस करते हैं, है ना, हर एक चीज में फोकस करना है, मतलब बॉडी बिल्डअप करना है, कट्स पिलाना है, सब कुछ भी करना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए बेटा, तुमको भी टाइम निकालना पड़ेगा, जितना जल्दी टाइम निकालोगे उतना ही तुम सीखोगे। बेटा तुमसे ना बात करना पड़ता है ना बीच बीच में, नहीं तो तुम लोग थोड़ा सा भड़क जाते हो, अरे इतना टाइम सर हो गया है ना, आधा घंटे हो गया तो सर क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है ना, दिमाग अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन जो है ये सारा बातें है, जो ऑक्सीजन है तुम लोग को दिमाग में पुट हो जाता है और फिर भी बूस्टअप आ जाता है कि नहीं, चलो मतलब बूस्ट करना पड़ता है धीरे धीरे, है ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना, ऐसा करिए। चलो फिर अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि y इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, तो यहां पे x इक्वल्स टू क्या करेंगे 24 प्लस y, है ना, 24 प्लस y। अब जो है देखो यहां पे x के जगह पे 24 प्लस y पुट कर देंगे प्लस 2, यहां पे भी 3 इंटू 24 प्लस y प्लस 2 कर देंगे। अब जो y के जगह पे 24 प्लस मतलब y के जगह पे 24 प्लस y क्यों पुट करोगे, नहीं पुट करना है, तो यहां पे y की जगह पे y रखो बेटा, y की जगह पे कुछ नहीं पुट करना है, बस x के जगह पे ये पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, देखना मतलब बच्चे का आंसर आएगा, पहले यहां पे क्या है 24 प्लस y प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू यहां पे 3y प्लस 3 टू द 6, तो और यहां पे 24 प्लस 2 हो गया 26 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। इसको सॉल्व करो, यहां पे क्या है 3y minus y, तो फिर y minus 3y that is equals to 6 minus 26, तो यहाँ पे आ गया minus 20, इधर आ गया minus 2y, तो minus minus cancel out, 2 से cancel करो 10, तो y का value आ रहा है 10, जो बच्चे का जो year था मतलब birth जो था मतलब कितना साल का था बच्चे जो था वो 10 साल का था, और फादर्स का चेक करो, फादर्स का कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, है ना, तो 24 प्लस y का वैल्यू है 10, तो 10 पुट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाता है 34, तो फादर का एज आया 34। तो ये जो है बेटा और वाले मेथड है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, और वाले मेथड है बेटा, तो तुमको कौन सा वाला यूटिलाइज करना है बेटा, प्रीवियस वन यूटिलाइज करो, ये वाला सीख के रखो, इसको यूटिलाइज मतलब ज्यादातर अवॉइड करना, इसको मतलब यूटिलाइज मत करना, मेरा काम है सिखाना तुम लोगों को, तो हम चाहते हैं कि जितना
मतलब जितना मेरा नॉलेज में है, जितना ज्यादा इजी इजी टाइप्स है वो इजी टाइप्स हम तुमको बताते रहे ताकि तुम लोग का ऐसा ना फील हो कि नॉलेज जो है यही हम लोग का स्ट्रेंथ है बेटा, नॉलेज ही हम लोग का स्ट्रेंथ है। तो नॉलेज हम लोग को इंक्रीज करना है, नॉलेज बढ़ाना है, नॉलेज के सिवा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये भी दो मेथड में होगा, ये भी दो मेथड में होगा, लेकिन करना नहीं है। लेकिन मतलब वन नंबर ले लो कि वन एंगल, नंबर नहीं है एंगल, वन एंगल ले लो, वन एंगल ले लो कि एक्स एंड अदर वन ले लो कि 180 माइनस 6, है ना 180 माइनस 6। अगर तुम इसको y लेते हो तो फिर x प्लस y इक्वल टू 180 कर देना, x प्लस y इक्वल टू 180 कर देना। अब x इक्वल टू 180 माइनस y, ऐसा करके x का वैल्यू आ गया, x करके भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हिंट क्या है, दूसरा इक्वेशन का हिंट क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को मिला के 180 होता है। अब देखो बताया गया द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20, तो डिफरेंस बताया है तो फिर वन एंगल है x, दूसरा एंगल क्या है 180 माइनस x, तो दोनों को मिला के मतलब सब्ट्रैक्ट करके आंसर हो जाएगा 20। अब देखो बात को समझो, यहां पे एक बात आता है, देखो यहां पे ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, तुमको पता है कौन सा नंबर बड़े है, ये तुमको पता है, नहीं पता है ना, तो फिर तुमको यहां पे एक ट्रिक अप्लाई करना है। देखो एक्स जो है, एक्स जो है ये बड़ा नंबर है कि 180 माइनस एक्स है ये बड़ा नंबर है, कुछ भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं मतलब ये एक्स हो सकता है कि 170, ये हो सकता है कि 20, है ना, हो ही सकता है, और उल्टा भी हो सकता है 180 माइनस एक्स 20, मतलब 180 माइनस एक्स बड़ा हो सकता है, एक्स जो है ये छोटा हो सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको पता नहीं, और बड़ा छोटा क्यों देखना है क्योंकि बेटा बीच में तो सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, स्मॉलर माइनस ग्रेटर नहीं होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। तो जब ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है तब बड़ा वाले को हमको पहले रखना है, तो यहाँ पे मेरे को एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, तो बड़ा जो है उसको नहीं रखेंगे, दोनों को दो साइड रख दो, बात खत्म, दोनों को दो साइड कर दो। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है देखना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास एक और एक वेरिएबल है, एक और एक नंबर है, वो क्या है, देखो बताया कि द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 120, मतलब ये दो नंबर जो है, ये दो नंबर एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, लेकिन कितना है, कितना है डिफरेंस, कितना है वो आइदर यहां पे प्लस करो और यहां पे प्लस करो, बात समझ में आया, मतलब कहीं पे और करो, मतलब एक दूसरे पे नहीं कर रहा है, दो अलग अलग जगह पे करो, तो x प्लस 20 करो तो दूसरा वाला आएगा, या फिर x माइनस 20 करो तो दूसरा वाला आएगा, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको किधर लोगे, ये एक से ही ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये ऐड 20 करो मतलब यहां पे ही तुम बता दे रहे हो कि ये बड़ा है 20, है ना, x जो है ये 20 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है बेटा, क्योंकि छोटा है इसीलिए ना तुम 20 प्लस कर रहे हो, तो 20 प्लस कर रहे हो क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पे माइनस कर रहे हो मतलब तुम बता ही दे रहे हो कि ये x जो है ये बड़ा है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखना ही नहीं है, सिंपल सा दोनों को दो तरफ लाओ और फिर दो इक्वेशन को ही सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आता है, क्योंकि 20 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो राइट साइड करोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो अब चलो देखो यहाँ पे आंसर करते हैं, देखो x का वैल्यू 80 आ रहा है, यहाँ पे ATP लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, x का वैल्यू 80 आ रहा है तो फिर दूसरा वाले का 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 80 कर दो तो आ रहा है 100, तो बात समझ में आया, देखो ये दूसरा वाला बड़ा आ गया, दूसरा वाला बड़ा आ गया क्योंकि मैंने x के साथ प्लस 20 किया ना, तो यहां पे ही बता दिया कि x जो निकलेगा ये छोटा निकलेगा, लेकिन अगर दूसरा वाले जो इक्वेशन है, दूसरा वाले जो इक्वेशन है, चलो इसको 180 इसको साइड पे करते हैं, इधर कर लेते हैं 180 माइनस 80 करो तो 100 आ रहा है दूसरा वाला, ये जो है एक और ये जो है दूसरा। लेकिन अब देखो, अब एक लॉजिक देखो, अगर हम उल्टा करते कि x माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस x, अगर ऐसा करते तो क्या हो जाता, देखो x प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 हो जाता, तो 180 प्लस 20 कितना है 200 है, यहाँ पे क्या है 2x हो जाता, तो 2 से कैंसिल आउट करो तो 100, तो देखो x अब 100 आ रहा है, तो ये जो है और वाले मेथड है बेटा, मतलब तुमको बता देना है, मतलब तुमको तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये जो 20 है ना इसको हम लोग यूटिलाइज किए, तुमको बेटा ऐसे सोचना है कौन कैसे यूटिलाइज किया जाए क्वेश्चन को, यही सीखना है, यही कंसेप्ट है कि कैसे किसको यूटिलाइज करें बेटा, समझ में आ रहा है। तो और देखो यहाँ पे x का वैल्यू 100 निकला, x का वैल्यू 100 निकला मतलब क्या है, एक एंगल है 100,
तो दूसरा वाला क्या होगा, 180 माइनस 100 कर दो, 180 माइनस 100 करो तो आ गया 80, तो मतलब 80 जो बाद में निकला वो छोटा वाला था, समझ में आया। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है वो लिखना भी नहीं है देखना भी नहीं है, लेकिन दिमाग में तुमको ऐसे सोचना है, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं नंबर 7। ये और वाले मेथड, मैंने दो मेथड दिखा बेटा, कंफ्यूज मत होना, और वाले मेथड दिखाया कंफ्यूज मत होना। चलो फिर नाउ नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 में देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे। देखो सम आर्टिकल्स आर बॉट एट 16 ईच, सम अदर आर्टिकल्स आर बॉट एट 5 इन, मतलब दो टाइप का है, तो फिर क्या है, एक है 16 दूसरा है 5। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट 54, तो फिर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट क्या है 54। अब देखो क्या है, देखो यहां पे दो बातें गिवन है, एक है दोनों का टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी गिवन है एंड दोनों का कॉस्ट भी गिवन है, तो यहां पे हमको दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हम नहीं देख रहे हैं। अगर ऑप्शन मिला हमको तो ऑप्शन बता देगा, है ना, अभी तो हमको फिलहाल यही मिल रहा है। तो देखो यहां पे क्या है, सम आर्टिकल्स आर बॉट एट 16, तो फिर लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रुपीज 16 इज एक्स एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रुपीज 5 इज वाई, दोनों को अलग अलग ले लो, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग ले लो। अब देखो क्या है, बताया कि दो जो है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट इज 54। अब यहां पे अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर आप एक्स वाई क्यों ले रहे हो, एक वेरिएबल से आप सिखाओ, ठीक है चलो एक वेरिएबल से करते हैं, है ना, एक वेरिएबल से करते हैं फिर एक्स एंड वाई लेके दिखा देगा कि पहले ये करना कि बाद में वो, एक्स एंड वाई से बाद में दिखाएंगे, ठीक है। चलो फिर पहले ये ले लेते हैं। देखो दोनों का बुक में क्या बताया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक अगर एक्स है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 54 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रुपीज 16 आर्टिकल्स है एक्स एंड रुपीज 5 आर्टिकल्स है बाकी सारा, लेकिन टोटल आर्टिकल्स कितना बताया 54 बताया ना, टोटल आर्टिकल्स कितना है 54 है, तो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स रुपीज 16 इज एक्स, तो फिर बाकी जो बचा बुचा होगा है ना, टोटल बुक तो 54 है, तो अगर 60 रुपीज 16 आर्टिकल्स अगर एक्स है तो बाकी रुपीज 5 वाला कितना हो जाएगा 54 से वो वाला माइनस कर दो, तो 54 माइनस एक्स कर दिया। अब देखो बताया क्या है, अब बताया कि देयर कॉस्ट इज 600, इससे बनाना है क्योंकि आर्टिकल को मैंने जो 54 था वो तो यूटिलाइज कर लिया, अब जो है टोटल कॉस्ट 600 है। अब देखो टोटल कॉस्ट मतलब क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ रुपीज 16 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 16x होगा। मान लो कि तुम एक पेन खरीदे हो 10 रुपए में, तो फिर 10 पेन का कितना कॉस्ट होगा 10 × 10 है ना 100 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो, मल्टीप्लाई होता है ना कॉस्ट के टाइम, मतलब ये यूनिटरी मेथड है बेटा, यूनिटरी मेथड जाके देख लो, मैंने यही सिखाया है ना, और यूनिटरी मेथड में मैंने एक ऑप्शन जरूर दिया था, मतलब एक मेथड हम सिखाया था कि जब वन इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड, जब वन इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड तब उस वाले टाइम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा यूनिटरी मेथड सीख लेना मेरे से, ठीक है ना, बहुत अच्छा मेथड बताया, एरो मेथड से किया है, एरो मेथड मेरा फेवरेट मेथड है, वहां पे मैंने सिखाया। तो देखो वन इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड तब मल्टीप्लाई होता है, और जब जब मेनी इज गिवन वन इज रिक्वायर्ड तब बेटा डिवीजन होता है, ठीक है ना, तब बेटा डिवीजन होता है, तो बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कौन सा वाला लॉजिक है, मल्टीप्लाई वाले लॉजिक है ना, क्योंकि देखो वन इज गिवन मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रुपीज 16 इज एक्स, मतलब एक आर्टिकल का प्राइस है 16, एक आर्टिकल्स का प्राइस है 16, तो फिर एक्स आर्टिकल्स का कितना प्राइस है, एक्स आर्टिकल मतलब ज्यादा ही होगा ना, एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होगा, तो फिर जब मोर चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, तो 16x कर दिया। अब देखो कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बोलो, 54 माइनस एक्स है, 54 माइनस एक्स, तो फिर 54 माइनस एक्स इंटू 5 हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस में, मतलब एक रुपीज 5 आर्टिकल का कॉस्ट है 54 माइनस एक्स, तो फिर मतलब अरे गलत बता दिया, एक आर्टिकल का प्राइस है रुपीज 5, तो फिर टोटल नंबर कितना है 54 माइनस एक्स है ना, जब 54 माइनस एक्स आर्टिकल्स होगा उसका प्राइस कितना होगा, जितना आर्टिकल्स है 54 माइनस एक्स इतना आर्टिकल्स है इसके साथ 5 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, यही ना होगा, तो यही क्या बेटा 54। अब देखो क्या बताया, अब देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे दिया, ट्विस्ट क्या बताया,
अब ये ट्विस्ट ही है एकदम क्लाइमैक्स ट्विस्ट जो बताते हैं ना, क्लाइमैक्स। चलो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करेंगे हम लोग, देखो बताया कि टोटल कॉस्ट 600 है ना, टोटल कॉस्ट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x प्लस 54 माइनस एक्स इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 600। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 16x प्लस यहाँ पे 54 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 4 20 का 0 कैरी आया 2, 5 5 25 प्लस 2 कितना आता है 27, 270 माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू 600। अभी चलो देखो यहाँ पे 16 से 5 हटाओ कितना आता है 11x दैट इज इक्वल्स टू 600 माइनस 270, 270 को राइट साइड लेके आ, समझ में आ रहा है, जब समझ में नहीं आएगा बताना हमको, है ना। चलो फिर यहाँ पे 11x दैट इज इक्वल्स टू 600 से 270, बट अब पता नहीं है इधर 270 से कितना होता, इधर 30 होता उधर 30 होता है ना, इधर 30 उधर 300 है ना, तो फिर 330 मैंने तो मेंटली कर लिया। अब तुम लोग कैसे मेंटली किया बेटा, कुछ नहीं है सर मेंटली किया, सर तू कर लिया बेटा ये वाले बात पे ना, मैंने एक इंसिडेंट बताया था मेरा क्लास का, अपलोड किया था अभी मैंने यूट्यूब पे, वो भी देख लेना, मतलब इंसिडेंट ऑफ इन अ क्लास है ना, ऐसा करके मैंने बताया था, ऐसा करके लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या था, सर है तो कर लिया, ये बात से ना मेरे को बहुत दिक्कत है, सर है तो नहीं कर लिया, मेथड मेरे को पता है, तुम लोगों को सिखा रहे हैं, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, ग्रैब करो, सिंपल सा लॉजिक है ना। यहां पे देखो 270 से तुमको 600 तक चलना है, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चलना है, तो 270 से मैंने 300 तक चलेंगे, तो 300 तक कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 30 डिफरेंस है। अब 300 से 600 कितना डिफरेंस है, 300, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 30 प्लस 300 हो गया 330, मतलब चलना है, मतलब मान लो कि 5 माइनस 2 कितना होता है, तो 2 से 5 तक चलो कितना डिफरेंस है, 3 है, बात समझ में, तो चलना है ऐसे, चलोगे चलोगे पैदल चलना है, 11 नंबर का बस है ना, पैदल को हम लोग क्या बोलते हैं, 11 नंबर का बस। अब चलो देखो यहाँ पे 11 से डायरेक्टली इसको कट कट कर दो, 30 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आया 30, x का वैल्यू आया 30 है ना, x का 30 है, तो फिर रुपीज 16 का क्या है 30, अब रुपीज 5 का क्या है, रुपीज 5 का क्या है, देखो 54 माइनस 30 करो, तो 54 से 30 हटाओ, तो कैलकुलेशन तुम लोग बनाओ, आंसर तुम लोग चेक करो, हमको पता है कि मेरा करेक्ट है। अरे क्वेश्चन बनाने के बाद खुद को पता चल जाएगा कि करेक्ट कि रॉन्ग है, ये ओवर एक्साइटमेंट या फिर मेरे को मैंने बहुत बार किया है इसके वजह से नहीं है, मेरा मेथड करेक्ट है इसके वजह से है। तुम लोगों को भी प्रैक्टिस करके ऐसा एक पोजीशन में रहना पड़ेगा ना कि प्रैक्टिस करके कि मेथड सही होना चाहिए है ना, मेथड सही होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बनते लगेगा, क्वेश्चन अपने आप बनते लगेगा। चलो फिर अब x एंड y करके भी समझाना है, चलो फिर मतलब ये बना देते हैं तो और कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 16 वाला, मतलब दो इक्वेशन करके अगर करना चाहते हो तो रुपीज 16 जो है, ये जो है 16 करके ईच है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो रुपीज 16 वाला आर्टिकल्स जो है ये है x, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रुपीज 16 इज x एंड रुपीज 5 इज y। अब देखो बताया कि टोटल नंबर जो आर्टिकल बाई क्या है, तो फिर x प्लस y दोनों मिला के 54 होना चाहिए, ये है हम लोग का पहला वाला इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट तो कॉस्ट मतलब रुपीज 16 लिया था x2 है ना, रुपीज 16 लिया था x2, तो फिर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे है ना 16x। अब देखो रुपीज 5 लिया था y2 है ना, रुपीज 5 वाला लिया था y2, तो फिर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 5y हो जाएगा है कि नहीं बोलो। अब देखो ये जो है 16x ये जो है 5y, तो दोनों को मिला दो, 16x प्लस 5y दोनों को मिला दो, तो कितना होता है, ये देखो बुक में गिवन है 600 है ना, दोनों को टोटल कॉस्ट कितना लगा 600 है ना। देखो रुपीज 5 मैंने लिया था y है ना, नंबर ऑफ रुपीज 5 आर्टिकल्स वाज y है ना, तो फिर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मान लो कि नंबर ऑफ रुपीज 10 चॉकलेट इज 10 लिया हो, मतलब 10 स्टोरी हो, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना है, 10 इंटू 10 करते हैं ना, तो यहाँ पे वही वाले लॉजिक। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, अब यहां से तुम किसी एक का वैल्यू ढूंढ लो, ढूंढ के यहाँ पे पुट करके पूरा क्वेश्चन बना दो, बस हो जाएगा है ना, वही है, सिंपल सा लॉजिक है, दोनों में ही बनेगा ये, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, अब आंसर तो आएगा ही बेटा। ठीक है हम कर देते हैं यहाँ पे, एक्स का वैल्यू मान लो 54 माइनस वाई, तो यहाँ पे 16 इंटू 54 माइनस वाई प्लस
5y, ये जो मेथड हम कर रहे हैं ना इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लास 9 में जाके सीखोगे। अब यहाँ पे दो और मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकली सॉल्व भी है, लेकिन उतना सारे मेथड अभी नहीं सिखा रहे, बस सब्स्टिट्यूशन ही सीख के रखो। तो 16 फोर से कितना होता है, 24। मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, ये और डिटेल में नहीं समझा रहे। यहाँ पे मैंने x का वैल्यू डाला, x का वैल्यू यहाँ पे 54 माइनस y था, वैल्यू डाला, मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ किए। अब 11 आया था यहाँ पे, 11 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल करके किया, तो y का वैल्यू जो है ये 24 आया, तो y का वैल्यू आया गया मैं हम लोग का 24। अब x का वैल्यू कितना चाहिए, देखो 54 माइनस y था, तो फिर 54 माइनस 24 करो तो कितना आता है यहाँ पे 4402 से लेके 530, तो देखो x आ गया 30, तो 30 होगा 24 होगा, तो ऐसा करके भी कर सकते हो। ये और वाले मेथड है बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग में घुसाने का कुछ बात नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी अलग से चलो वहां पे, चलो हम सिखाएगा, ठीक है ना। चलो फिर 7 का और हो गया, 7 का अब 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द लेंथ। अब और दो मेथड नहीं सिखाएगा, एक ही सिखाएगा। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन आइसोसेलीज ट्रायंगल व्हिच इफ ऑफ इक्वल साइड्स इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड गिवन दैट पेरिमीटर ऑफ द आइसोसेलीज। अच्छा, पेरिमीटर जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगेगा, ये जो है आइसोसेलीज का मतलब होता है एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो दो साइड इक्वल है तो ये जो है थर्ड साइड, ठीक है ना। तो अब देखो पेरिमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, ये जो है पेरिमीटर होता है, ठीक है ना। देखो पेरिमीटर गिवन है, तो लेट द साइड्स आर क्या क्या लेना है, देखो लेट द साइड्स आर, लेट द इक्वल साइड्स आर ले लो, चाहिए क्या, गिवन पेरीमीटर, अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ चाहिए, तो लेट द साइड्स आर इक्वल साइड्स आर कर लो यहाँ पे, लेट द इक्वल साइड्स आर एक्स, तो ये जो इक्वल साइड है ये एक्स हो गया। अब ये सेकेंड वाले इक्वेशन मतलब ये जो है ये पता नहीं हमको, तो अब चलो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ये वाले जगह पे अच्छे से समझना है। अब देखो इक्वल साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस, तो इक्वल साइड इज मतलब एक्स, इज का मतलब है इक्वल टू, 2 सेंटीमीटर लेस, तो 2 सेंटीमीटर लेस किससे लेस, 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो यहां पे थर्ड साइड से कम है बताया, तो इक्वल साइड को हमको एक्स नहीं लेना है, यहां पे थर्ड साइड को एक्स ले लो, क्या लेना है, थर्ड साइड को एक्स ले लो, लेट द थर्ड साइड बी एक्स, थर्ड साइड बी एक्स। अब क्या करना है, यहां पे लिख लो कि इक्वल साइड, इक्वल साइड यहां पे इक्वल साइड था ना, यहां पे लिखो इक्वल साइड, इक्वल साइड इज का मतलब इक्वल टू, अब क्या बता, 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब देखो एक एक करके यहां पे देखो Twice the length of third side, तो third side का length है x, इसका twice करो तो हुआ 2x, उससे भी 2 कम, minus 2, बात समझ में आया, एक और बार समझाते हैं, क्या बताया, देखो 2 centimeter less than twice the length of third side है x, इसका twice करो 2x, इससे भी 2 सेंटीमीटर कम है ना, इससे भी माइनस 2 कर दो, 2 सेंटीमीटर कम, ये हो गया इक्वल साइड। अब देखो पेरीमीटर बनाया, तो इक्वल साइड कितना होता है, 2 होता है, तो 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 दैट इज, नहीं एक और एक, प्लस x दैट इज इक्वल्स टू, टोटल कितना है 24। अब इसको सॉल्व करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। अब देखो ये प्लस प्लस है ना, जब प्लस प्लस रहता है तो ब्रैकेट देने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे 2x, 4x, यहाँ पे 1x, तो हो गया 5x, यहाँ पे देखो माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2, ये 2 है बेटा, माइनस 2 माइनस 2, तो हो गया यहाँ पे माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4, तो यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 24 प्लस 4 हो गया 28, है ना। अब देखो x इक्वल्स टू 28/5, समझ में आया कि नहीं आया, गलत किया है ना, चेक करो। अरे नहीं बेटा, हर बार गलती करेंगे, है ना, खा गया ना चौका। चलो फिर यहाँ पे क्या है 28/5, है ना x, तो ये क्या है हम लोगों का, क्या था थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है 28/x, तो इक्वल दो साइड क्या हो जाएगा, वो इक्वल दो साइड ढूंढ लो,
इक्वल दो साइड कहाँ पे करना है, यहाँ पे इक्वल साइड जो था यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ये तो एटीपी है, पेरीमीटर से लगाया हम लोग, एटीपी है तो 2 × 28/5 − 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई कर लो, 28 × 2 से कितना होता है 56/5 − 2 तो और यहाँ पे क्या हो जाता है नीचे आएगा 5, यहाँ पे 56 − 5 × 2 = 10 तो यहाँ पे क्या आता है 46/5 तो ये हो गया दो इक्वल साइड। ये जो था एक्स था दैट मीन्स थर्ड साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड साइड इक्वल्स टू 28/5 एंड अदर साइड, मतलब अदर साइड मतलब इक्वल साइड, अदर इक्वल साइड हो जाएगा 46/5। यहां पे वैल्यू डाले बेटा, हो गया ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं 9 कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिवाइड 600 इंटू टू पार्ट सच दैट, तो डिवाइड करना है 600 को दो पार्ट में, तो लेट वन पार्ट एक्स, अदर पार्ट क्या हो जाएगा 600 − 6, तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड करना था तो कर लिया है ना, एक है x दूसरा है 600 − 6, क्योंकि 600 जो है टोटल अमाउंट है, यहां पे भी तुम x एंड y लेके कर सकते हो, हम नहीं दिखा रहे हैं ठीक है ना, तो एक है x दूसरा है 600 − 6। अब देखो क्या हो जाएगा, बताया है क्या, डिवाइड 600 इंटू टू पार्ट सच दैट 1/4 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स 1/6 ऑफ द अदर पार्ट बाई 20। अब देखो बहुत अच्छे से समझो, हम यहां पे लिख लेते हैं, देखो इस लाइन को बहुत अच्छे समझो, क्या है 1/4 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो गया ठीक है ना, तो एटीपी ये तुमको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्टली एटीपी से चालू कर देना ठीक है ना, डायरेक्टली एटीपी से चालू कर दो, 1/4 ऑफ वन पार्ट, तो 1/4 ऑफ वन पार्ट इज एक्स, एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो गया, ये ज्यादा है, ज्यादा है ठीक है ना, 1/6 तो 1/6 ऑफ द अदर पार्ट, तो 1/6 ऑफ द अदर पार्ट जो है ये 600 − x है बाई 20, मतलब ये जो है लेफ्ट साइड वाला ज्यादा है, 1/4 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स जो है ये ज्यादा है, तो फिर ये जो 20 है आइदर इससे सब्ट्रैक्ट करना है और क्या करना है, और क्या करना है, वेरी गुड, यहां पे प्लस करना है, तो ये दो इक्वेशन है, तो चलो अब सॉल्व कर दे। देखो तुमको यही समझना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, कितना कम है, जितना मतलब अगर LHS ज्यादा है तो 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर RHS ज्यादा होता तो RHS से सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में देखो पूरा का पूरा अच्छे से लिखा हुआ गया है कि डिवाइड 600 इनटू टू पार्ट्स सच दैट 1/4 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो गया, 1/4 वाला ज्यादा हो गया किससे, 1/6 ऑफ द अदर पार्ट, 1/6 ऑफ द अदर पार्ट मतलब अदर पार्ट का 1/6 से 1/4 वाला ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 20 ज्यादा हो गया, तो फिर प्रीवियस पार्ट से मतलब जो ज्यादा है उसको 20 सबट्रैक्ट कर दो, या फिर जो कम है उसके साथ 20 प्लस कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x/4 − 20 दैट इज इक्वल्स टू 600 − x/6। अब क्या करना है, यहां पे एलसीएम बनाओ, इजी वाले मेथड ही बताते हैं, दोनों तरफ 4 कर लो, यहां पे x − 4 = 8 तो 80 = 600 − x/6। अब नीचे जो है दोनों तरफ कैंसिल आउट करो, 2 से 2 यहां पे आया, 2 × 3 अकेला होता है बेटा लीनियर को, स्टार्टिंग में देखो मैंने समझाया है, है ना, समझाया है यहां पे, तो फिर यहां पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x − 3 = 24 तो 240, यहाँ पे 2 से कर दो, 6 × 2 = 12 तो 1200 − 2x, दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम जब कॉपी चेक करते हैं तब हमको पता चलता है कि दोनों के साथ मिस्टेक कर, मतलब मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे एक के साथ मल्टीप्लाई करके ना दूसरे के साथ मल्टीप्लाई तुम लोग नहीं करते, जो रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग हो जाता है, तो और यहाँ पे x वाले को एक तरफ लो तो 3x + 2x दैट इज इक्वल्स टू 1200 + 240। अब जो है एड करके कैलकुलेशन कर लो तो 5x = 1200 + 240 क्या हो जाता है 1200 × 1440, तो फिर 40 होता है 41440। अब चलो ये 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितना होता है 5 × 2 = 10, यहां पे आया 4 = 44, 5 × 8 = 4, then again 5 × 8 = 8, तो फिर x का वैल्यू है 288, तो बात समझ में आया कि नहीं, बोलो x का वैल्यू आ गया 288 एंड देन अदर पार्ट, तो यहां पे लिख देते हम
अलग इंक से। वन पार्ट क्या है 288 एंड अदर पार्ट क्या हो जाएगा 600 माइनस 288, तो जितना होगा 88 से कितना होता है यहां पे 210, तो आया 300 तो 312 आ जाएगा, ठीक है ना, 312 आ जाएगा अदर पार्ट और वन पार्ट होगा 288। आंसर चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चलो लास्ट दो ही क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन जब आता है ना तो बड़ा मजा आता है कि नहीं, बोलो। हमको पता है, चलो यहाँ पे क्या है, वन कर दे, देखो 3/4 यहाँ पे क्या है 2x-5। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई नहीं है, अकेला है, तो ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड है, ऊपर के साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड है। अब देखो यहाँ पे 3 2 6x-5 3 15, अरे ये इंक शायद तुम लोग को देख नहीं पाओगे। अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे 4 आ जाता है इक्वल्स टू यहाँ पे, अरे इक्वल्स टू क्यों, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो 5 7 35 प्लस नहीं करना है, बीच में माइनस रहने दो, बस ओनली 5 से मल्टीप्लाई करो, जो मेथड मैंने सिखाया उसी से चलो आगे। चलो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अलग है, अलग रख दो साइड में, तो 5 7 35 यहाँ पे माइनस 5 5 25x डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 7x/3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और करो, अब एलसीएम जब करोगे 6 and 4 का एलसीएम करो, 6 and 4 2 3 2 2 2 2 4 3 12 आता है, यहाँ पे 4 है 2 2 4 है 3 बचा 3 6 18x। यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं बेटा, ऑलरेडी सिखाया है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, देखना चेक करना। माइनस यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे 4 है तो 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 से 15 3 सा कितना होता है 45 होता है। अब आया माइनस, यहाँ पे 6 3 2 6 45 2 सा कितना होता है 70, यहाँ पे प्लस करो 6 ठीक है ना। अब जो है ये नीचे सिंपल सीधा का सीधा कैंसिल कर दो, 3 4 12 आता है, और यहाँ पे 18x है, यहाँ पे 50x है, दोनों को ऐड कर दो तो 15 + 20 - 2 कर दो तो 68x आ जाता है। माइनस यहाँ पे एडेड अप हो जाएगा 45 + 70, तो एक तो आया 5, 4 + 7 कितना हो जाता है 1115, दैट इज इक्वल्स टू, इधर 4 है बेटा इसको भूलना मत, या अकेला नहीं है, 4 7 28x, अकेला बंदा अगर किसी के साथ मिल जाए तो धमाल मचा सकता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है 68x - 28x दैट इज इक्वल्स टू 115। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 68 से 28 8 से 8 0, तो 40x दैट इज इक्वल्स टू 115। तो फिर देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 115/40, अब कैंसिल आउट बना लो, ठीक है ना, 23/8 आ गया, है ना, समझ में आया ना। जब जो मेथड मैंने सिखाया उसी से प्रैक्टिस करो बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस करेगी प्लस करे, है ना, ये वाले जगह पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे ये जो इंक है, अरे क्या इंक, ये ब्लू वाला, ये वाले जगह पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या लिखे, माइनस लिखे कि प्लस लिखे कि क्या लिखे। बेटा यहाँ पे बात जो है ना माइनस प्लस का नहीं है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे जो साइन है उसको ही पुट करो, है ना, जो साइन है वही पुट करो। अब जो है जब एलसीएम बनाओगे तब साइन चेंज कर देना, ठीक। अच्छा चलो नाउ नंबर 2, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो, 21x-3/4 माइनस यहाँ पे 2x को 2x रखना है, नहीं बेटा एलसीएम बना दो, यहाँ पे 2 2 नीचे 1 है तो 2 2 4x माइनस एलसीएम हो गया। अब ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, जो सिखाया है उसी से करना, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो -1 + x जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा, क्यों, बाहर में अगर माइनस होता है तो, लेकिन अगर ये वाली जगह पे प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ध्यान में रखना कोई चेंजेस नहीं होता है। इक्वल टू यहाँ पे भी क्या करना है, एलसीएम बना दो, क्या है 2, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और करो, 21x-3/4, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है लेकिन हम लोग इजी कर लेंगे, है ना, हम लोगों का मेथड जो है इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ना हटाने से पहले अंदर वाले का काम कर लो, यहाँ पे 4x1 क्या हो जाता है, देखो 5x-1/2,
ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो है देखो ये वाला जो साइन है माइनस का जो साइन है ये वाला हमको दिक्कत दे रहा है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है लेकिन हमको पता नहीं है कि ब्रैकेट खोल के क्या क्या करे, साइन को चेंज कर दे कि क्या करे, पता नहीं चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, और लिखो यहाँ पे क्या है 21x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे को मतलब तुम लोगों को ऐसा फील हो रहा है ना कि सर ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच वाला चेंज होगा कि नहीं होगा, बेटा कैसे क्या होगा ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 5x by 2 minus 1 by 2, बात समझ में है, जब ऐसा वाला रहेगा ना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 1 plus 3 by 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 plus 3 by 2, अगर मान लो कि 36 plus 48 whole divided by 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 36 by 3 plus 48 by 3, मतलब नीचे अगर अकेला नंबर है तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर मान लो ऐसा नंबर है कि 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 15 तो वहां पे भी हम लोग 1 बाय 15 प्लस 10 बाय 15 ऐसा करके लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। नीचे अगर एक नंबर रहेगा मतलब एक नंबर, मतलब अगर 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20 ऐसा अगर होता, ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 1 बाय 3 प्लस 20 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसके साथ इस पूरे को, इसके साथ इस पूरे को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ये एक मेथड है, ये एक लॉजिक है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मैंने कर लिया, अलग कर लिया, अब हम लोग का क्या होगा, क्योंकि वही वाला कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट हटेगा कि नहीं हटेगा, कंफ्यूजन, वो सोचने से अच्छा है कि अंदर में अलग कर लो। अब जो है 21x minus 3 whole divided by 4, अगर तुम लोग बोलोगे सर इधर भी क्या हम लोग वही कर सकते, हाँ बेटा इधर भी कर सकते हो, तो इधर भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो कि 21x minus 3, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है। अब चलो क्योंकि यहाँ पे हमको दिक्कत दे रहा था इसको कर लिया, अब देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x by 2, अब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा प्लस 1 by 2, अब यहाँ पे 2x plus 3 whole divided by 2। अब जो है यहाँ पे देखो क्या, अब तुम एलसीएम बना सकते हो, तो इधर भी एलसीएम बनाओ, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एलसीएम बनाओ तो आएगा 4। अब यहाँ पे क्या होगा देखो 21x माइनस 3 फिर माइनस, यहाँ पे क्या 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10x, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस था तो प्लस बैठेगा, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली 2 बैठेगा, है ना, अब इक्वल टू 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल सा लॉजिक है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 4, अकेला होगा तो कर सकते हैं, तो देखो 21 प्लस 10 मतलब माइनस कर दो तो यहाँ पे, और लिखो, और लिखने के बाद 21 से 10 सबट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आता है 11x, 11x यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 3, अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 11x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 4x प्लस 3 6 हो गया, अब देखो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 11x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 1, अब देखो 11x माइनस 4x कितना होता है 7x दैट इज इक्वल टू 7, तो 7 कैंसिल आउट कर दो, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू 1, समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया। देखो अगर तुम लोगों का दिक्कत होता है तो ये वाले जगह पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये वाले जगह पे दिक्कत होने का जो सॉल्यूशन मैंने बताया इसको यूटिलाइज करना हर टाइम, अगर बाहर में माइनस रहता है, अगर प्लस रहता तो कोई भी टाइप का हम लोग का टेंशन नहीं था, जो था वही पुट कर देते, लेकिन जब भी ब्रैकेट्स रहेगा ना तब ऐसे अलग कर देना दोनों को, अलग करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड, प्रैक्टिस करना अच्छे से ताकि तुम लोग एग्जाम में खुद बना सको, है ना, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ये जो है हम लोग का लीनियर इक्वेशन का ये जो पार्ट था 14E, ये एकदम नया एक्सरसाइज था नया बुक का जो मैंने सॉल्व कर दिया, हम लोग का इजी मेथड है, लेकिन लास्ट में एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर इजी कम्युनिकेशन चैनल का अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो बेटा पूरा सीरीज देखो, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक देखो, क्वेश्चंस ऐसा मेथड मैंने सिखाया है, ऐसा मेथड मैंने अप्लाई किया है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मैंने दिखाया है, तो उससे क्या होगा तुम्हारा ब्रेन जो है ये ओपन अप हो जाएगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तुम्हारा ब्रेन जितना ओपन अप होगा उतना आगे जाके तुम उतना अच्छे से सम्स को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ, बाकी कमेंट करना, चलो बाय बाय।